बीते 7 दिसंबर को एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा अपने स्थापना दिवस पर निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में मोतियाबिंद का निशुल्क ऑपरेशन किया गया। शनिवार को अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने मरीजों को निशुल्क चश्मे भी प्रदान किए। बीते 7 दिसंबर को एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया था। स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा 5 से 7 दिसंबर तक 3 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर अस्पताल परिसर में आयोजित किया गया था। इस दौरान बेहद ही किफायती दरों में मरीजों की जांच और ऑपरेशन कर उन्हें निशुल्क दवाएं दी गई थी। मोतियाबिंद बच्चेदानी का ऑपरेशन, हाइड्रोसिल, नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी सहित अन्य ऑपरेशन निःशुल्क किए गए। इसी तरह विभिन्न जाँच में भी विशेष छूट प्रदान की गई थी। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 30 से ज़्यादा लोगों के निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए। आँखों का ऑपरेशन करा चुके मरीजों को शनिवार को अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, डॉक्टर नीलम चंद्राकर, डॉक्टर हिमांशु चंद्राकर और नेत्र रोग सहायक प्रेम चंद्राकर ने चश्मे प्रदान किए। मोतियाबिंद के सभी ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इसकी जानकारी एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी और नेत्र सहायक प्रेम चंद्राकर ने दी। नमस्कार, मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। एसआर हॉस्पिटल दुर्ग जिले का 180 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है। एसआर हॉस्पिटल के 7वें स्थापना दिवस 7 दिसंबर 2023 को अस्पताल में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए गए, हाइड्रोसिल के ऑपरेशन निःशुल्क किए गए, बच्चादानी के ऑपरेशन भी निःशुल्क किए गए, नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी जो ऑपरेशन है उसे भी निःशुल्क जो है 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को निःशुल्क किया गया। क्षेत्र की जनता ने, आसपास के लोगों ने इस योजना का भरपूर लाभ उठाया और साथ में चश्मा भी है विशेष छूट पर लोगों को, आसपास की जनता को प्रदान किया गया। आसपास की क्षेत्र का की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता ने एसआर हॉस्पिटल पे विश्वास जताया और अधिक से अधिक संख्या में अस्पताल में उपस्थित होकर जो है इस शिविर का लाभ उठाया। लोगों ने अपनी खून पेशाब की जांच भी रियायती दरों पे कराई, एक्सरे भी रियायती दरों पे कराया और सीटी स्कैन, एमआरआई में जो है उन्हें भी 50% की छूट प्रदान की गई। यह शिविर सफल रहा आपके सहयोग से, आपके चैनल के सहयोग से, क्षेत्र की जनता के सहयोग से, क्षेत्र के आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरपंच महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, आसपास दुर्ग भिलाई के पार्षदगण हैं, सभी का विशेष सहयोग मिला और सभी ने अपने क्षेत्र से अपनी जनता को भेजा और इस शिविर का सबने लाभ उठाया। उसी क्रम में एसआर हॉस्पिटल में आज जो लोग हैं जिन्होंने लाभ उठाया था उन्हें चश्मा वितरण किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने इस शिविर में अपनी सहभागिता निभाई और अस्पताल के इस कार्यक्रम को सफल करने में अपनी सहभागिता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, पुनः क्षेत्र की जनता का धन्यवाद। एसआर हॉस्पिटल सदैव आपकी सेवा में समर्पित। नमस्कार, मैं प्रेम चंद्राकर, एसआर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विस में आई डिपार्टमेंट में नेत्र सहायक के पद पर हूँ और हमारे एसआर हॉस्पिटल का 7वां स्थापना दिवस था, जिसमें हम लोग निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क रखे थे और भारी मात्रा में आसपास के लोग और आए हैं और बहुत दूर दूर से लोग ऑपरेशन करवा के गए हैं यहाँ से और हैं अभी भी भर्ती है और उसका अभी भी और फ्री में चश्मा जो मिनिमम रेट पे उसको फ्री में भी बहुत से लोगों को हमने दिया है चश्मा बना के पावर का, जो बाहर मार्केट में बहुत महंगा है। अगर ऐसी हमने 3000 लेके मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है मात्र 3000 में, उसमें लेंसेज जो है अच्छी क्वालिटी के डाल के दिए तो लोग जो है आसपास के लोग बहुत खुश है और अच्छा महसूस कर रहे हैं। सदैव एसआर हॉस्पिटल के मैं आने का बात भी बोला हूँ कि एसआर हॉस्पिटल में बहुत अच्छा है, व्यवस्था है और कम पैसे में होता है यहाँ पर, जो दूसरे लोग 10 लेगा वो यहाँ पे 2-3 में हो जाता है, इतने फर्क है ऐसा पब्लिक ने हमें बताया।
गौरतलब है कि अस्पताल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का लाभ सैकड़ों लोगों ने उठाया, जहां उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी गईं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों के सहायतार्थ भविष्य में भी इस तरह का निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।